नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। क्या आसनसोल रेल पार में चल रहा ड्रग्स और महिला बिक्री रैकेट? इस सवाल पर तृणमूल नेताओं में आरोप प्रत्यारोप। उत्पल सिन्हा के इस आरोप पर गुलाम सरवर ने उन्हें बताया रेल पार में चलने वाले सारे गुनाहों का सरदार। और पूछिए तो उनसे कि जो जिस ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो, उनके एमएलए कौन है, उनके मिनिस्टर कौन है, उसका गवर्नमेंट कौन है, अगर ये तमाम चलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों। 2021 में जामुड़िया सीट सीपीएम से छीनने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने की तैयारी। मंत्री मलय घटक और मेयर जितेंद्र तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। तृणमूल कांग्रेस 9 বছর আর বিজেপি 6 বছর, এই তুলনা করার সময় এসেছে এবং আমরা করতে পারি। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र शिल्पांचल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक का इलाका है, लेकिन यहां के तृणमूल नेताओं में आपस में ही कितनी कटुता है, इसका प्रमाण शुक्रवार की रात हुई एक सभा में दिखी। दरअसल वार्ड नंबर 28 के भिस्ती मोहल्ला में सनफ्लावर सोशल वेलफेयर सोसाइटी नामक एक क्लब द्वारा आसनसोल रेल पार में एक उर्दू कॉलेज बनवाने के लिए सिग्नेचर मीटिंग की गई थी। इसमें वार्ड नंबर 28 के काउंसिलर और तृणमूल जिला माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष गुलाम सरोवर को अपना भाषण शिक्षा की जरूरत पर रखना था, लेकिन पार्टी के आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा पर ये खूब गरजे। उन्होंने खासकर रेल पार को बदनाम करने के बारे में उत्पल सिन्हा को निशाने पर रखा और उन्हें ही सारे गुनाहों का सरदार बताया। गुलाम सरोवर ने क्या क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अफसोस तो उस वक्त लगता है जब हमारे इलाके के ब्लॉक के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमारे इलाके में औरतों का रैकेट चलता है, जब ब्लॉक प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमारे इलाके में ड्रग्स का रैकेट चलता है। मुझे शर्म से सर झुक जाता है दोस्तों, जब ये सुनना पड़ता है कि आपके इलाके में औरतों का रैकेट चलता है। और पूछिए तो उनसे कि जो जिस ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो, उनके एमएलए कौन है, उनके मिनिस्टर कौन है, उसका गवर्नमेंट कौन है, अगर ये तमाम चलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों। अगर ये सच्चाई भी, तो हम लोग चाहते हैं कि तालीम के जरिए इस तमाम चीज को खात्मा किया जाए, और इसका खात्मा सिर्फ तालीम के जरिए हो सकता है। ये तालीम होगा तो ये खात्मा होगा, ये तालीम होगा तभी ये खत्म हो पाएगा दोस्तों। कुछ दिन कबल आपने देखा, रमानिया हायर सेकेंडरी हाजी कदम रसूल के गेट पे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मंत्री जी के सामने ये कहते हैं कि 2021 के बाद रेल पार में ड्रग्स नहीं चलेगा, चाहे उसके लिए मेरा जान ही क्यों नहीं चला जाए। हमें ताज्जुब हुआ सुनकर के दोस्तों कि 2020 के दिसंबर तक का वो एडवांस ले चुके हैं क्या, कि दिसंबर तक का तो मैं एडवांस ले चुका हूं, बंद तो नहीं करा सकता। 21 के बारे में भले हमसे बोलो, रेल पार में जितना भी ड्रग्स, जितने भी गलत काम, चाहे लोहा के शक्ल में हो, चोरी के शक्ल में हो, जितनी बुराइयां का अड्डा है, उसका जिम्मेदार उत्पल सिन्हा है। वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है जो ये कहता है रेल पार में कि रेल पार में ड्रग्स का अड्डा चलता है, रेल पार में औरतों का माफिया चलता है दोस्तों। और हमें उस लोगों पर भी शर्म आता है जब हमारे रेल पार के लोग उनको फूल का गुलदस्ता और उनको इज्जत बख्शने के लिए जब जाते हैं तो मैं फेसबुक में देखकर या किसी न्यूज में देखकर शर्म से सर झुक जाता है कि ऐसे रेल पार के मुर्दा जमीर लोग ऐसे शख्स को जाकर के इज्जत बख्शते हैं जो हमारे इलाके के माँ और बहनों के बारे में कहता है कि यहाँ औरतों का रैकेट चलता है। ऐसे हालात में दोस्तों हम लोग कभी इस बात को नहीं भूल सकते। आपके महबूब हो सकते हैं, आपके प्यारे हो सकते हैं, आपके प्यारे और दुलारे हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे इलाके के बारे में जो तंज किया है, आप हमारे इलाके के बारे में जो तंज किया है, जो कमेंट किया है, वो ता जिंदगी हम लोग नहीं भूल सकते, चाहे हम लोग किसी भी दिन का दिन सामना क्यों ना करना पड़े दोस्तों। हमारे इलाके को आप औरतों को रैकेट से मुंसलिक किया, आप हमारे इलाके को ड्रग्स के रैकेट से मुंसलिक किया। हम जानते हैं कि रेल पार में जो भी क्राइम है, जो भी गैर कानूनी काम है, उसके सरदार आप हैं, उसका मंत्री आपके पास है, वो तमाम कारनामा आप करवाते हैं, जिसके वजह से आज रेल पार की बदनामी का तगमा लगता जा रहा है।
गुलाम सरोवर का यह विरोध जहां पार्टी में आपसी फूट को दिखाता है, वहीं उत्पल सिन्हा को लेकर क्रोध भी दिखाता है। दरअसल उत्पल सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे रेल पार को लेकर कई सारे आरोप लगाते हैं। इसी बात को लेकर रेल पार के तृणमूल नेताओं में गुस्सा है। आवाज आपका मुंह से नहीं निकलता है और आप मलय घटक का खिलाफ आप आवाज उठाते हैं। जाइए, रेल पार में महिला बिक्री का रैकेट है, रेल पार में ड्रग का रैकेट है, इसका विरोध लड़िए। जाइए, रेल पार में महिला बिक्री का रैकेट है, रेल पार में ड्रग का रैकेट है, इसका विरोध लड़िए। जाइए, रेल पार में महिला बिक्री का रैकेट है, रेल पार में ड्रग का रैकेट है, इसका विरोध लड़िए। तृणमूल कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसे हर हाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जामुड़िया सीट को जीतना ही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए शनिवार को जामुड़िया टाउन हॉल में तृणमूल कांग्रेस का जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इसमें श्रम व कानून मंत्री मलय घटक और आसनसोल के मेयर व पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करनी है। भूमिका की হবে আমরা কেন লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে গেছিলাম আজকে এইটাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। দেখুন, লোকসভা নির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয় এখান থেকে জয়লাভ করেছে এবং প্রায় 2 লক্ষ ভোটে। আমরা জামুড়িয়াকেও পিছিয়েছিলাম, কিন্তু বিজেপি সরকার, বিজেপি দল বা নরেন্দ্র মোদী গত 6 বছর ধরে দিল্লিতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এখন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের 9 বছর আর বিজেপির 6 বছর, এই তুলনা করার সময় এসছে এবং আমরা করতে পারি। ফিলহাল ওয়াক্ত হো চুকা হ্যায় এক ব্রেক কা, বনে রহিয়ে খবরোঁ কে সাথ। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग COVID-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से रीओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ब्रेक की वापसी के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जोर शोर से उठा रही है और राज्य के लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इस घटना के विरोध में आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा पहले भी विरोध जुलूस निकाला जा चुका है। शनिवार को फिर से तृणमूल कांग्रेस की महिला सेल द्वारा आसनसोल के आश्रम मोड़ से लेकर गुराई रोड तक एक जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, लेकिन इस जुलूस को नेतृत्व दिया आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने। जुलूस में योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक यह लगातार कोशिश करते रहे हैं कि उनके विभागों के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ आसनसोल के लोगों को भी मिले। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने आसनसोल में कई कार्यक्रमों द्वारा, खासकर श्रम विभाग के योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया है। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल के वार्ड नंबर 23 के कम्युनिटी हॉल में एक कार्यक्रम श्रम विभाग द्वारा किया गया, जिसमें 215 श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरण किया।
किया गया। कार्यक्रम में दुर्घटना में मारे गए दो श्रमिकों के परिजनों को 2-2 लाख और एक घायल श्रमिक को 50,000 रूपए के चेक प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 23 के पार्षद सी के रेशमा रामकृष्णन के समेत श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों से लेकर श्रमिकों के हित के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिसका फायदा उन्हें मिला है। एक परिवार, खास करके जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ परिवार, इस परिवार के बारे में सोचकर हम लोग का चित्र एक ऐसा सभी बनाया कि उस परिवार को जब भी आर्थिक पैसा की जरूरत होगा तो ये स्कीम में सरकार के तरफ से आपको मदद किया जाएगा। ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बहुत ही सोच समझ कर ये हम लोग के लिए स्कीम बना दिया। पहले ये स्कीम था कि जो मेंबर बनेंगे उसको 25 रुपया महीने में देने पड़ता, लेकिन अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने इसको भी मुक्त कर दिया। अभी कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन लिखा हुआ है बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना। और इसका मतलब कि कोई भी मेंबर बनेंगे उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। दुर्गा पूजा के मद्देनजर कुछ दिनों पहले आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई थी। कैसे कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा शांति से मनाई जाए, इसके बारे में बताया गया था। इस कड़ी में रानीगंज के थाना द्वारा थाना क्षेत्र के दुर्गा पूजा कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ रानीगंज के सीताराम भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक में बोरो चेयरमैन संगीता सारदा विशेष रूप से मौजूद थी। रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती और उनकी टीम ने पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में पूजा कमेटियों के पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। चक्रवर्ती ने विशेष रूप से हिदायत दी कि पूजा मंडपों और उसके आसपास कोरोना संबंधित सावधानी बरती जानी चाहिए। इस बैठक में पूजा के दौरान बनाए रखने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके लिए जरूरी निर्देश भी पूजा कमेटियों को दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूजा कमेटियों के लिए घोषित 50,000 रूपए के चेक भी प्रदान किए गए। चूंकि कोरोना काल में हर पूजा कमेटी फंडिंग की समस्या से दो चार है, इसलिए यह रकम उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। पूजा कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में रानीगंज दमकल स्टेशन के फैयाज खान, ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। అభివృద్ధి కమిటీ ఆల్రెడీ పంపించిన బిగినింగ్ తర్వాత బడ్జెట్ బడ్జెట్ లాస్ట్ ఇయర్ এবং আমি একটা কাজ করছি, আমি এটা করে দিচ্ছি, লিখতে হবে না, এটা আমি ওই পূজোর যে গ্রুপ হয়েছে আমি ফটো তুলে গ্রুপে শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে। খবরও কো সমাপ্ত করার সে পহলে ফির সে এক নজর ডাল লেতে হ্যায় আজ কি অহম খবরো পর। क्या आसनसोल रेल पार में चल रहा ड्रग्स और महिला बिक्री रैकेट? इस सवाल पर तृणमूल नेताओं में आरोप प्रत्यारोप। उत्पल सिन्हा के इस आरोप पर गुलाम सरवर ने उन्हें बताया रेल पार में चलने वाले सारे गुनाहों का सरदार। और पूछिए तो उनसे कि जो जिस ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो, उनके एमएलए कौन है, उनके मिनिस्टर कौन है, उसका गवर्नमेंट कौन है, अगर ये तमाम चलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों। 2021 में जामुड़िया सीट सीपीएम से छीनने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने की तैयारी। मंत्री मलय घटक और मेयर जितेंद्र तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। तृणमूल कांग्रेस 9 बचर और बीजेपी 6 बचर, यही तुलना करा समय इससे हमारा करते पारी। शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।